नारायण राणे को गिरफ्तार करवा कर जो खेल उद्धव ठाकरे ने शुरू किया है, अब उस खेल को बीजेपी ही खत्म करेगी। 50 करोड़ की वसूली के मामले में फंसे उद्धव ठाकरे के करीबी मंत्री अनिल परब को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने समन भेजकर हाजिर होने को कहा है। अनिल परब को समन मिलने से बौखलाए संजय राउत इस मामले की क्रोनोलॉजी समझाने लगे। शिवसेना के विवादास्पद मंत्री अनिल परब वही शख्स हैं जिन्होंने नारायण राणे को गिरफ्तार करने का आदेश पुलिस को दिया था। इससे पहले मंत्री अनिल परब की एक वीडियो क्लिप वायरल हुई थी जिसमें वह केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार करने के आदेश कथित तौर पर पुलिस अधिकारियों को फोन पर दे रहे थे। बीजेपी ने इसे सत्ता का दुरुपयोग बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने यहां तक कहा कि खेल शिवसेना ने शुरू किया है लेकिन इसे खत्म अब बीजेपी करेगी। दरअसल बीजेपी का आरोप है कि नॉन कॉन्गिजेबल ऑफेंस को कॉन्गिजेबल बनाकर मंत्री को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। 58 साल के अनिल परब महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में दिसंबर 2019 में कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे। शिवसेना के टिकट पर अब तीसरी बार विधान परिषद में विधायक चुने गए हैं। सीएम उद्धव ठाकरे का बेहद करीबी अनिल परब को माना जाता है। पेशे से वकील होने की वजह से पार्टी के लीगल काम अनिल परब ही देखते हैं। शिवसेना पार्टी के संगठन के लिहाज से विभाग प्रमुख यह पद काफी ताकतवर और महत्वपूर्ण माना जाता है। साल 2001 से अनिल परब के पास बांद्रा के अंधेरी इलाके के विभाग प्रमुख का पद कायम है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में अनिल परब की स्ट्रेटजी में बड़ी भूमिका रही है। आमतौर पर अनिल परब को ठाकरे परिवार का लॉयलिस्ट भी कहा जाता है। आक्रामक स्वभाव के अनिल परब महाविकास अघाड़ी सरकार स्थापना होने के बाद से ही विवादों में रहे। महाराष्ट्र की रत्नागिरी के गार्जियन मिनिस्टर अनिल परब का फोन पर बात करते हुए कथित ऑडियो कैमरे में कैद होने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मच गया था। आरोप लगे कि अनिल परब केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी के लिए कथित कॉल पर पुलिस अधिकारी पर दबाव बना रहे हैं। मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाझे ने एनआईए कोर्ट को लिखे एक पत्र में मंत्री अनिल परब पर 50 करोड़ की वसूली करने का गंभीर आरोप लगाया था। वहीं बीएमसी के 50 बड़े ठेकेदार से 2 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट देने का भी आरोप सचिन वाझे लगा चुके हैं। हालांकि मंत्री ने सभी आरोपों से इनकार किया। वहीं आरटीओ विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में परिवहन मंत्री अनिल परब पर निलंबित आरटीओ ऑफिसर गजेंद्र पाटिल करोड़ों रुपए की वसूली का आरोप लगा चुके हैं जिसकी जांच महाराष्ट्र डीजीपी कर रहे हैं। अनिल परब को ईडी के नोटिस की जानकारी सबसे पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट करके दी। राउत ने कहा कि मंत्री अनिल परब को ईडी का नोटिस आया है। पूरे मामले पर शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया कि केंद्रीय एजेंसी की ओर से ये नोटिस आया है, उम्मीद के अनुरूप है और पार्टी इससे कानूनी तरीके से लड़ेगी। राउत ने ट्वीट किया और कहा कि बहुत बढ़िया, जैसे ही जन आशीर्वाद यात्रा समाप्त हुई अनिल परब को ईडी द्वारा उम्मीद के अनुरूप नोटिस भेजा गया, केंद्र सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया। भूकंप का केंद्र रत्नागिरी था, परब जिले के प्रभारी मंत्री हैं, घटनाक्रम को समझिए, हम कानूनी रूप से इस लड़ाई को लड़ेंगे, जय महाराष्ट्र। हाल ही में केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नारायण राणे को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने पर रत्नागिरी से गिरफ्तार किया गया था। राणे ने शिवसेना और ठाकरे के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान की थी। भाजपा महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री परब को उनकी कथित आय से अधिक संपत्ति और राणे की गिरफ्तारी में भूमिका को लेकर निशाना बना रही है। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। नारायण राणे की पत्नी नीलम राणे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नीलम राणे ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार उनके पति को गिरफ्तार करेगी। उन्होंने कहा कि मैंने शिवसेना से इस तरह की हरकत की उम्मीद कभी नहीं की थी। जिस पार्टी को मेरे पति ने अपने जीवन के 40 साल दिए, अगर वे अपने पूर्व नेता के खिलाफ इस तरह से काम कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूं। उन्होंने कहा कि मैं भी हैरान थी जब शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने तब यहाँ मुंबई में मेरे घर पर हमला किया जब हम सभी एक रैली के लिए निकल रहे थे। केवल बहू और मेरे नाती पोते थे, वे एक घर पर हमला कैसे कर सकते हैं। इसके पहले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को मानहानि के मामलों का सामना करने के लिए जल्द ही उत्तर प्रदेश जाना होगा। राणे ने कहा कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ कथित तौर पर ये कहने के लिए मानहानि के मामले दर्ज किए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चप्पल से पीटा जाना चाहिए। अब उन्हें अनुभव होगा कि उत्तर प्रदेश जाने पर कैसा महसूस होता है।
राणे ने कहा, उद्धव ठाकरे किस तरह के मुख्यमंत्री हैं? वह सिर्फ घर पर बैठकर कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, उन्हें बाहर जाना चाहिए और स्थानों का दौरा करना चाहिए। राणे ने इस हफ्ते की शुरुआत में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिससे विवाद पैदा हो गया था। इस संबंध में राणे को गिरफ्तार भी किया गया था और कुछ घंटे बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। सोनिया गांधी हो या फिर राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा, तीनों की तमाम कोशिशों के बावजूद पंजाब में फैला रायता सिमट नहीं रहा है। इससे ये तो साफ हो गया कि कांग्रेस को कायदे से चला पाना अब गांधी वाड्रा परिवार के बस में नहीं है। पंजाब का एक सिरा सुलझाने की कोशिश होती है तो दूसरा उलझ जाता है। ताज़ा मामला तो ऐसा है कि अगर उसे सुलझाया नहीं गया तो पूरी पार्टी का ही बंटाधार हो जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू खेमे ने अब पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। सिद्धू के करीबी विधायक परगट सिंह का कहना है कि खड़गे कमेटी ने कहा था कि पंजाब के चुनाव सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में होंगे, जबकि हरीश रावत कह रहे हैं कि 2022 के चुनाव मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में होंगे। परगट सिंह ने हरीश रावत से सवाल किया कि उन्हें ये भी बताना चाहिए कि ये फैसला कब हुआ। मतलब साफ है कि सिद्धू किसी भी कीमत पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ना चाहते। उनका इरादा साफ है, चुनाव के पहले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह का पत्ता साफ हो जाए ताकि बाद में कहीं कोई बाधा न आए। परगट सिंह ने बताया कि 3 महीने पहले सभी विधायक कांग्रेस हाईकमान की 3 सदस्यों की खड़गे कमेटी के सामने पेश हुए थे और पंजाब की सियासत के बारे में उन्हें अवगत करवाया था। उस वक्त उन्होंने बताया था कि आगामी विधानसभा चुनाव सोनिया और राहुल की अगुवाई में लड़े जाएंगे। परगट सिंह ने कहा कि हरीश रावत उनके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन पंजाब के बारे में अपने स्तर पर इतना बड़ा फैसला लेने का अधिकार उन्हें किसने दिया। खड़गे कमेटी के सोनिया और राहुल की अगुवाई में चुनाव लड़ने के फैसले के बाद अब कैप्टन की अगुवाई का क्या मतलब रह जाता है। परगट सिंह के इस बयान ने पंजाब की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि सिद्धू का ईंट से ईंट बजाने वाले बयान का भी सीधे तौर पर संबंध पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत से ही था। हरीश रावत अब पंजाब दौरे पर आने वाले हैं, लेकिन उनके आने से पहले ही कांग्रेस के महासचिव परगट सिंह ने उनके लिए एक नई समस्या खड़ी कर दी है, जिससे पंजाब कांग्रेस में विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा सिद्धू ने विधानसभा सत्र को लंबी अवधि के लिए बुलाए जाने की मांग करते हुए फिर से कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरने की कोशिश की है। 3 सितंबर को एक दिवसीय सत्र बुलाने को लेकर सरकार पहले ही विपक्ष के निशाने पर है। अब सिद्धू की मांग ने विपक्ष के आरोपों में भी जान डाल दी है। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, हफ्ता वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग, इस तरह के मामलों में महाविकास अघाड़ी के विधायक, मंत्री और सांसद एक के बाद एक फंसते जा रहे हैं। ताजा मामला शिवसेना सांसद भावना गवली का है, जिनके ऊपर करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भावना गवली के ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापा यवतमाल स्थित भावना गवली पाटिल के घर और दफ्तर समेत 6 से 7 ठिकानों पर मारा गया। इतना ही नहीं, ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के मामले में भी कई ठिकानों पर दबिश दी। भावना गवली पाटिल यवतमाल से शिवसेना की सांसद हैं। ईडी ने ये छापेमारी 72 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़े मामले में की है। भावना गवली शिवसेना की कद्दावर नेताओं में से एक हैं। वो लगातार पिछले 5 लोकसभा चुनाव जीतते आ रही हैं। भावना पहली बार 1999 में लोकसभा सांसद चुनी गई थी। उसके बाद 2004, 2009, 2014 और 2019 में भी उन्होंने चुनाव जीता। इसके पहले ईडी ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब और अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में समन भेजा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद किरीट सुमैया ने महाराष्ट्र के वाशिम जिले की शिवसेना सांसद भावना गवली और उनके सहयोगियों के खिलाफ मोर्चा खोला। सुमैया के मुताबिक वाशिम जिले में शिवसेना सांसद ने 100 करोड़ का हाईवे कॉन्ट्रैक्ट घोटाला किया है। इस बात की जानकारी नितिन गडकरी के उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में जाहिर हुई। इस घोटाले को लेकर एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। इसके पहले शिवसेना सांसद भावना गवली पर 55 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा। वाशिम के सामाजिक कार्यकर्ता हरीश सारडा ने बालाजी सहकारिता शक्कर कारखाना के खिलाफ केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह और ईडी से शिकायत की। सारडा ने कहा कि गवली के खिलाफ राज्य के मुख्यमंत्री, सहकारिता मंत्री समेत सभी संबंधित पक्षों से शिकायत के बावजूद अब तक सुनवाई नहीं हुई है। सारडा का दावा है कि गवली ने अपनी बेनामी कंपनी भावना एग्रो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड के जरिए राष्ट्रीय सहकारिता विकास महामंडल
यानी NCDC को 43 करोड़ 35 लाख रुपए का चूना लगाया। उन्होंने बताया कि गवली ने खुद बालाजी सहकारी पार्टिकल बोर्ड नाम का कारखाना बनाया जिसमें प्लाईवुड का निर्माण किया जाना था। वे खुद इस कारखाने की अध्यक्ष बनी और फर्जी कागजात और आंकड़ों के सहारे NCDC से 43 करोड़ 35 लाख रुपए का कर्ज ले लिया। उन्होंने 10 साल तक केंद्र सरकार से पैसे लिए लेकिन कारखाना कभी शुरू ही नहीं हुआ। बाद में उन्होंने केंद्र सरकार से 10 करोड़ रुपए और मांगे। सारडा के मुताबिक कारखाना शुरू हुए बिना गवली ने उसे घाटे में बता दिया। फिर कारखाना बेचने के लिए जो मंडल बनाया गया, भावना गवली उसकी अध्यक्ष बनी और उनकी माँ शालिनी ताई गवली इसकी सदस्य। अपनी ही बेनामी कंपनी भावना एग्रो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड को उन्होंने 7,09,90,000 रुपए में अपने ही निजी सचिव को बेच दिया। लेकिन ये पैसे भी सरकार को नहीं दिए गए और अब तक सरकार को सिर्फ 25 लाख रुपए ही दिए गए हैं। सारडा ने कहा कि गवली ने भावना एग्रो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 5 करोड़ जबकि एक सहकारी बैंक से 2.5 करोड़ रुपए कर्ज लिया। उन्होंने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।